नमस्ते दरभंगा। दरभंगा जिला के MLSM कॉलेज में आक्रोशित छात्र छात्राओं ने किया धरना प्रदर्शन कॉलेज के प्रशासन के विरुद्ध। दरभंगा जिला में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले MLSM कॉलेज के छात्र उस समय आक्रोशित हो गए जब वह स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने महाविद्यालय के काउंटर पर पहुंचे और उनसे स्कॉलरशिप फॉर्म लेने के एवज में 50 रुपये प्रति छात्र मांगा गया। तब छात्रों ने इसका विरोध किया तो स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने वालों ने कहा कि 50 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा यदि फॉर्म जमा करवाना है तो। इस पर छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों ने बोला स्कॉलरशिप का फॉर्म निःशुल्क जमा लिया जाता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसको लेकर छात्र आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उसके उपरांत नजदीकी थाना पहुंची और छात्रों को समझा बुझाकर धरना तोड़ने को कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि जब छात्र जब आक्रोशित हुए तो काउंटर पर ताला लगाकर स्कॉलरशिप का फॉर्म लेने वाले क्लर्क मौका से फरार हो गए। आदित्य कुमार मिश्रा हुआ, मैं अभी छात्र संघ का महासचिव हूँ, ठीक है, और मैं इस महाविद्यालय का छात्र भी हूँ। जब हम आए हैं महाविद्यालय तो महाविद्यालय में कल एक आंदोलन किया गया था तमाम छात्र नेताओं के द्वारा, जिसमें बर्सर साहब और प्रिंसिपल साहब के द्वारा ये कहा गया था जो यहाँ के जन प्रतिनिधि और पदाधिकारी द्वारा जो वार्ता किया जाएगा, जो सकारात्मक वार्ता होगा उसके बाद यहाँ के पदाधिकारी द्वारा काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ के पदाधिकारी द्वारा पदाधिकारी और क्लर्क के मिली भगत से यहाँ पे सभी सीटों को फुल करने के फिराक में लगे हुए हैं। जो जनून छात्र हैं उनका नामांकन नहीं हो पाता है। यहाँ पे तमाम जनून छात्र आप एक कैमरा के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। यहाँ के एक छात्र हैं, कहाँ गए वो छात्र? बिट्टू कुमार कहाँ गए वो छात्र? आइए इधर। ये छात्र को ठोटी पकड़ के और यह गेट से बाहर फेंक दिया गया एक थर्ड ग्रेड क्लब क्लर्क के द्वारा। एक क्लर्क का काम क्या होता है उन क्लर्क महोदय को पता नहीं है। वो गुंडागर्दी पे उतर गए और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य गच्छ पर एक प्रधानाचार्य और छात्र के बीच में क्या वार्ता होती है, क्या बात होती है, उनको वह बात पता नहीं है। एक बच्चा अपना दर्द किसके पास सुनाएगा? इस महाविद्यालय में वो सुनने लायक कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब छात्र वहाँ अंदर गए तो इन छात्रों को छोटी पकड़ के बाहर फेंक दिया गया। ये तमाम छात्र उसके गवाह हैं और आपके रिकॉर्डिंग में भी उसके गवाह होगा। उसके बाद जब हम उनको बोले भैया आप स्टाफ हैं और स्टाफ को ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है तो बयान देते हैं जो हम तुमको गोली मार देंगे, तुमको मरवा देंगे, तुम बाहर निकल जाओ। तो हम थर्ड ग्रेड स्टाफ हैं, क्लर्क हैं, प्रभाकर जी नाम है उनका, ठीक है। हम आपके माध्यम से अगर आपके न्यूज चैनल को कुलाधिपति और कुलपति महोदय देखेंगे तो उनको आह्वान करते हैं कि यहाँ इस महाविद्यालय में गुंडों का राज हो चुका है। यहाँ इस महाविद्यालय को पूर्णतः ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव को बहाल किया जाए जो पूर्णतः शांतिपूर्वक और छात्र हित में फैसला ले सके। ये तमाम छात्र हमारे गवाह हैं। क्या हम मेरे ऊपर और इनके ऊपर जो घातक हमला किया गया है उनके वहाँ आप गवाह है ना? आप इस माध्यम से सुन रहे होंगे जो एक बार में एक आवाज में निकलता है छात्र के मुंह से हाँ और हाँ।